आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा, बीजगणित, इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इस टाइप के आज हम सवालों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3, देन 7x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, इसका हमें मान ज्ञात करना है। हमें दिया गया है x प्लस 1 बाई एक्स क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, और इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें संख्या दे रखी है x स्क्वायर प्लस 1, ये जो संख्या दे रखी है, इसमें हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो क्या लिख सकते हैं, x और ये आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये आपका x कॉमन ले रखा है, और x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना दे रखा है, 3, और ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x और x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो ये हमने 3 लिख दिया, कितना आया, 3x, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तब क्या करेंगे, ऊपर आपका क्या है 7x, नीचे इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 3x माइनस 2x, ये जो दे रखा है, तो कितना आया, 7x अपॉन 3x में से 2x जाएगा, तो कितना बचेगा, x बचेगा, और x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो। नेक्स्ट, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, देन 5x अपॉन 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 का मान ज्ञात करना होगा। तो हमें क्या दे रखा है, x प्लस 1 बाई एक्स कितना, 5 दे रखा है। तब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, इसमें हम क्या करेंगे, 7x को, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 7 माइनस का 3x। इस संख्या में हम क्या करेंगे, 7x को कॉमन लेंगे, 7x को हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे ये 7 कट जाएगा और x कट जाएगा, क्या बचेगा, x, इसमें प्लस, इसमें क्या लिया, 7x कॉमन, तो 7 अपॉन 7x, मतलब ये 7 कट गया और माइनस का 3x, तो क्या बचा, 7x और x प्लस 1 बाई एक्स और माइनस 3x। अब क्या देखिए, अब आपको क्या दे रखा है, x प्लस 1 अपॉन x कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो x प्लस 1 अपॉन x कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 7x और ये कितना दे रखा है, 5 माइनस का 3x, तो ये आपका संख्या बन के आ जाएगी 7x इंटू 5, मतलब 35x माइनस 3x, और ये आपका बन के आ गया 32x, 35 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 32x बचेगा, और ये किसका, इस पूरे का मान हो जाएगा, किसका, इस पूरे का मान क्या आएगा, 32x। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे नीचे, ऊपर क्या है आपका, 5x है, और नीचे आपका आ जाएगा 32x, xx आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, 5/32, 5/32, ए आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट, यदि x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू रूट 3, देन x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 प्लस 2 का मान क्या होगा, इसका मान क्या, ये दे रखा है, इसका मान क्या होगा, तो आपको मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है, कि अगर सवाल में दे रखा हो कि x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू रूट 3, x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू रूट 3, ये हमें अगर दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट x की पावर 6, इसको क्या लिखेंगे, माइनस 1। अगर x प्लस 1 अपॉन x आपको रूट 3 दे रखा है, तो हम डायरेक्ट x की पावर 6 को हम माइनस 1 लिखेंगे। ये कैसे आया, मैं आपको ये बता रहा हूँ पूरा कि जैसे x प्लस 1 अपॉन x हमें क्या दे रखा है, रूट 3 दे रखा है, क्या दे रखा है, रूट 3, और हमारा इसका हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, इन दोनों का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, इसमें a क्या है, x है, b क्या है, 1 अपॉन x, तो इसको हम क्या से करेंगे, a प्लस बी के फॉर्म में इसको करेंगे, तो a क्यूब कितना है, x क्यूब, b क्यूब कितना है, 1 अपॉन x, तो x 1 अपॉन x क्यूब प्लस 3a कितना है, x, और b कितना है, 1 अपॉन x, और a प्लस बी कितना है आपका, x प्लस 1 अपॉन x, और ये आपका दे रखा है रूट 3 की पावर क्यूब दे रखा है, रूट 3 का क्यूब दे रखा है, तो क्यूब क्या, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 3 रूट
3 हो जाएगा, रूट 3 3 हो जाएगा और रूट 3 एक बचेगा, ये हो जाएगा। अब देखिए ये x और ये x आपका कैंसिल हो जाएगा, और अब आप देखिए x प्लस 1 और ये x प्लस 1 हमें कितना दे रखा था, रूट 3 दे रखा था, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, रूट 3 लिखेंगे। तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या बची, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स, ये कट गया, इसका मान हमने रूट 3 लिखा, इक्वल टू 3 रूट 3 ये वाला, ठीक है। ये इधर जाएगा तो क्या होगा, घट जाएगा और जीरो हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, एक्स क्यूब, क्या आएगा, एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब है, इसको 1 मानो, तो ये क्या आएगा, एक्स की पावर 6 प्लस ये कट जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0। तो x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो x की पावर 6 इज इक्वल टू हो गया आपका -1। ये आपका प्रूव हो गया कि अगर सवाल में दे रखा है x प्लस 1 अपॉन x कितना दे रखा है, रूट 3 दे रखा है, तो x की पावर 6 जो होगा उसको हम डायरेक्ट -1 लिखेंगे। तो यही हम अप्लाई करके इसका आंसर लिखेंगे। तो हमें क्या दे रखा है, x प्लस 1 अपॉन x कितना दे रखा है, रूट 3 है। तो हमें क्या पूछा है, x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 प्लस 2 का मान क्या होगा। तो अगर ये दे रखा है तो हम x की पावर 6 की जगह डायरेक्ट -1 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1। तो x की पावर 6 इसकी जगह क्या लिखेंगे, -1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 की जगह क्या लिखेंगे, -1 प्लस 2। तो ये -1 और ये आपका क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2। तो ये 2 और ये -2 कितना बचेगा, 0। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा डी ऑप्शन। यदि x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू रूट 3, तो हमें x की पावर 17 प्लस 1 अपॉन x की पावर 17 का मान पूछा है। तो हमें एक कंडीशन पता है कि x प्लस 1 अपॉन x हमें कितना दे रखा है, रूट 3 दे रखा है। अगर ये कंडीशन दे रखी है तो हम x की पावर 6 को -1 लिख सकते हैं, ये कंडीशन। लेकिन अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर x की पावर 17 दे रखी, यहाँ पे भी 17, यहाँ पे भी 17, अगर यहाँ पे 18 होता, मैं कहता अगर 18 होता, x की पावर 18 होता, तो मैं इसको लिख सकता था x की पावर 6 का क्यूब, 6 * 18, तो x की पावर 6 को मैं फिर -1 लिख सकता था। तो अब इस सवाल में देखिए, जो x की पावर 17 दे रखा है, क्या दे रखा है, x की पावर 17 प्लस 1 अपॉन x की पावर 17, इसका मान पूछा है। अगर ये x की पावर 18 होता तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको है ना ऊपर नीचे मैं x अपॉन x से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये अंदर जाएगा, गुणा होगा, तो ये x और ये क्या बन जाएगा, x की पावर 18, नीचे x प्लस ऊपर x और नीचे x की पावर 18। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 18 को x की पावर 6 इसकी पावर 3 बटे में x प्लस x अपॉन x की पावर 6 और ऊपर में क्या लिख सकता हूँ, पावर में 3 लिख सकता हूँ, 6 * 18 6 * 18। इसको क्या किया मैंने, x और x को ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब आप देखिए x की पावर 6 का मान क्या मैं लिख सकता हूँ, अगर कंडीशन दे रखी है x प्लस 1 अपॉन x अगर रूट 3 दे रखा है सवाल में, तो मैं x की पावर 6 को -1 डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो अब देखिए -1 की पावर 3 अपॉन x प्लस x अपॉन -1 की पावर 3। अब देखिए -1 की पावर 3 मतलब ये विषम संख्या है, तो ये आपका क्या आएगा, -1 -1 अपॉन x, और फिर ये देखिए x अपॉन -1 की पावर 3, तो ये भी -1 आएगा, तो माइनस का x, ये आपका सवाल में बनेगा। अब आप देखिए यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लूंगा तो x प्लस 1 अपॉन x बचेगा, माइनस कॉमन लिया तो x प्लस 1 अपॉन x बचा, और x प्लस 1 अपॉन x मुझे क्या दे रखा है, रूट 3 दे रखा है, तो ये माइनस तो बाहर है ही है, और x प्लस 1 अपॉन x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 3, x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x की जगह मैं रूट 3 और माइनस बाहर है, तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि x प्लस 1 अपॉन x क्या दे रखा है, रूट 3, तो हमें इस इक्वेशन का मान पूछा है। तो हमें पता है कि अगर x प्लस 1 अपॉन x रूट 3 दे रखा हो तो हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 6 को हम डायरेक्ट -1 लिख सकते हैं। कहने का यही मतलब है कि x की पावर 6 और ये 1 इधर जाएगा माइनस, तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब हम इसको 0 लिख सकते हैं, इसको -1 और इसको 0। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इन दो दो का पेयर बनाएंगे, ये दो दो का।
अब देखिए आपको कॉमन दिख रहा होगा, अगर मैं पहले पेयर में x की पावर 200 को कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पे x की पावर 6 और प्लस 1, यहाँ पे आप देखिए प्लस x की पावर 84, इसको कॉमन लिया तो x की पावर 6 प्लस 1, ये प्लस 1, यहाँ पे x की पावर 12 को कॉमन लिया तो x की पावर 6 प्लस 1 और ये आपका प्लस 1 जो एक्स्ट्रा दे रखा है। अब देखिए x की पावर 6 प्लस 1, ये हमें क्या लिखना है, डायरेक्ट 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 और ये भी आपका 0, और 0 का इससे मल्टीप्लाई, किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, तो ये भी 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस ये आपका एक्स्ट्रा दे रखा है 1, तो हमारा क्या होगा आंसर, 1 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। थैंक यू वेरी मच।